हेलो एंड वेलकम, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। आज हमने आपके सामने एक वीडियो बनाई है जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिनके पास हिंदी का सब्जेक्ट विषय है, चाहे उनके पास ए हिंदी है या बी हिंदी है, उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और आज की इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आप किसी भी ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देखते हैं तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पांच नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके दो क्वेश्चन जो है कि डिस्कस पूरे अच्छे तरीके से हमने करवा रहे हैं आपके लिए, पूरा क्वेश्चन एनालाइज हो रहा है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। जरा बात करते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्या प्रश्न आता है। तो सबसे पहले ग्रामर पोर्शन में होता है कि देवनागरी जो लिपि आपकी, इसकी विशेषता, देवनागरी लिपि की विशेषता पेपर में आती है आपके पांच नंबर में कम से कम, कि देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। अब आपको एग्जाम में अगर ये पूछ लेता है तो आपको क्या क्या लिखना है, इसके अंदर क्या क्या नहीं लिखना, तो जरा ध्यान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से लिखेंगे, देवनागरी की लिपि जिसकी निम्नलिखित विशेषता है, और वो कि इस प्रकार से है। इसके बाद उस पैराग्राफ को आप छोड़ देंगे और पहला पॉइंट बनाएंगे आप, और पहला पॉइंट बनाएंगे तो ये लिखेंगे कि जो देवनागरी लिपि की सबसे पहली विशेषता है, इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ण जो है आपके कि एक निश्चित ध्वनि है। क्या है कि प्रत्येक वर्ण की एक निश्चित ध्वनि, ध्वनि का मतलब है जो उसका साउंड है। हर एक वर्ण की, वर्ण का मतलब होता है एक तरीके से लेटर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, जिसे अल्फाबेटिकली आप इंग्लिश में समझते हो तो ए बी सी, तो ये क्या है, इसके लेटर है। तो ऐसे ही हिंदी में भी हम देखते हैं कि भाई जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें क ख ग इस तरीके से आपके क्या होंगे कि ये सभी आपके जो वर्ण है, तो इन सब का एक अलग ही ध्वनि है। का को हम अलग प्रकार से प्रोनंसिएट करते हैं, खा को हम अलग प्रकार से, गा को अलग प्रकार से। तो सबसे पहली विशेषता इसके अंदर ये है, इसके अंदर आपके 11 स्वर और 35 व्यंजन है। अभी आप बोलोगे स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, तो 11 स्वर ऐसे हैं जिसे आप कंठ से बोलते हैं, स्वर उसे बोलते हैं हम, जिसे इंग्लिश में हम वोवल भी बोलते हैं, और जो व्यंजक होते हैं जिसे 35 है हमारे देवनागरी लिपि के अंदर, जिसे हम कॉन्सोनेंट भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहली विशेषता आपको तो ये लिख देनी है। जरा इसकी दूसरी विशेषता आप एग्जाम में आएगी तो क्या लिखेंगे, दूसरी विशेषता, देखो ये पांच नंबर में पक्का एग्जाम में आता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि देवनागरी लिपि में वर्णों के नाम उच्चारण के अनुसार और लेखन मुद्रा में अक्षर एक रूपता निरूपित है। इसका मतलब ये होता है कि भैया जो देवनागरी लिपि है जो आपकी देवनागरी जो लिपि है, इस लिपि में क्या है कि भैया आप सभी के जो वर्ण हैंगे, वर्णों को क्या है कि उन सबके जो उच्चारण है वो एक के बाद एक होते हैं। जैसे हमने पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि वर्णों को शब्दकोश के अनुसार लगाएंगे, हम शब्दों को क्या करते हैं उसके क्रम के अनुसार लगाते हैं। तो जैसे हमने बताया था का ख अक्षा, इस तरीके से हम आपको बताए थे गा के बाद आपका और भी अक्षर आते हैं, जैसे का के बाद जो प्रोनंसिएट होता है, जैसे आप अगली लाइन में देखते हो च, च के बाद क्या आता है छ, च के बाद छ आता है, फिर जा। अब इसके बाद का के बाद आप देखते हो अक्षा लिख देते हो आप, क्योंकि इसमें आधा का लग गया और छ लगता है और फिर छ लगता है, तो अक्षा इस तरीके से आप इसको लिख देते हैं। तो देवनागरी लिपि की जो दूसरी विशेषता है, दूसरी विशेषता इसके अंदर ये है कि इसमें जो अक्षर होते हैं वो एक क्रम के बाद ही आपके लिखे जाते हैं, एक के बाद एक जो क्रम आता है उसके बाद लिखा जाता है। आप इस वीडियो को भी देखें और साथ ही साथ जो हमने आपकी शब्दकोश के अनुसार वर्णक्रम अनुसार कैसे लगाते हैं, मैंने आपके लिए वो भी वीडियो बनाई है, वो लास्ट क्वेश्चन सबसे आता है 5 मार्क्स का, वो भी आता है। तो इसके साथ आप उसको भी तैयार करके पक्का जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पक्का ही पक्का आपके एग्जाम में आपके आते हैं। जरा अगली बात करते हैं हम, तीसरा पॉइंट इसका क्या हुआ, जो तीसरा पॉइंट होता है इसके अंदर ये क्या क्या है कि जो इस लिपि में जो ये लिपि है देवनागरी लिपि, ये लिपि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी के लिए ही प्रयोग होती है। अगर मैं आपको बता दूं जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत भाषा से ही हमारी क्या निकली है, हिंदी भाषा निकली है। तो संस्कृत में भी हम देखते हैं देवनागरी का प्रयोग होता है। इसके अलावा हम देखते हैं नेपाली भाषा है हमारी, नेपाली भाषा में भी देवनागरी का प्रयोग किया जाता है।
मराठी भाषा है, मराठी भाषा में भी देवनागरी का प्रयोग किया जाता है, और हिंदी तो आपका है ही है। तो ऐसी कई भाषाएं हैं जिसमें इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। किस लिपि का? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। जरा हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो हम आपको 5 पॉइंट ऐसे बताएंगे जिससे कि भी अगर आपने एग्जाम में लिखे तो आपको फुल टू फुल आपको मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो 4th पॉइंट के बारे में हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि 4th पॉइंट क्या है। इसमें क्या किया गया है कि आपके जो उच्चारण के अनुसार, जो उच्चारण जब आप करते हो इसमें देवनागरी लिपि के जब अक्षरों को, जब आप इनका उच्चारण करते हो देवनागरी लिपि के, तो इसमें क्या होता है आपका जो कंठे और व्यंजक, इसमें जो आपका ओष्टक है, ओष्टक एक अलग प्रकार के शब्द होते हैं, ओष्टक बोलते हैं इसे, ओष्ट भी बोलते हैं। और इसके अलावा देवनागरी के लिपि में देखो स्वर अलग है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया व्यंजक अलग है, व्यंजन अलग है, और आपके जो ओष्टक हैंगे वो अलग होते हैं। ओष्टक का मतलब कुछ इस प्रकार के भाषा होती है, कुछ इस प्रकार से बातें होती है जो आप सीधा ओटो से बोलते हो। ओट का मतलब आपकी जो आपके लिप्स हैंगे। इसके अंदर हम देखते हैं कि आपके अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प विराम, इन सब को भी हम किसमें देखते हैं? हिंदी भाषा के अंदर हम देखते हैं कि भाई हमें ये मिलता है कि इसके अंदर क्या है आपका, हम ये पाते हैं कि भैया अल्प प्राण, महाप्राण, समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो इस तरीके से आपका स्वर्ग विसर्ग ये सारी चीज भी हिंदी के अंदर, जैसे आप दुख लिखते हो, आप हलंत लगाते हो किसी के नीचे, आप किसी को स्टॉप करते हो, तो उस हिंदी भाषा में हम उसको भी देखते हैं, हम उसको भी देखते हैं कि देवनागरी लिपि में हमें वो भी दिखाई पड़ती है। जरा हम 5वां पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है कि प्रत्येक प्रत्येक जो चिन्ह है आपके, जो चिन्ह है वो कैसे कैसे हैं आपके, अलग अलग प्रकार के हैं। कि जैसे हर एक अक्षर को दर्शाने के लिए आपने अलग अलग प्रकार का चिन्ह दे रखा है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आप देखते हो एक बड़ा ए लिख देते, एक छोटा ए लिख देते, लेकिन आप ऐसा नहीं होता इंग्लिश के अंदर, मतलब रोमन जो आपकी लिपि होती है उसके अंदर हम ये देखते हैं। लेकिन यदि हम देवनागरी लिपि के बारे में बात करते हैं तो जो का है वो का इसके लिए एक निश्चित हैगा कि का के लिए का ही यूज किया जाता है। अब आपका बी हैगा, इसी प्रकार से बी ऐसे भी लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो खा होता है खा तो हम ऐसे ही लिखते हैं, हालांकि ये आधा हो जाता है तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपके ये 5 पॉइंट हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको इन 5 पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे और भाई बहनों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की जो मेरे आपसे एजुकेशनल वीडियो आपके लिए आएगी, ना केवल सिर्फ आपके बीए क्लास के लिए, आपके घर में छोटे भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं जो कि छोटी क्लास में हो, हम उनके लिए भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वीडियोज बनाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को, अगर आप सब्सक्राइब करते हो ताकि हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि जो भी अपडेट्स मिलती है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।